वेलकम बैक नाज़रीन क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। बात हो रही है आज कुछ आखिरी रोज़े चल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अब ईद के हवाले से, और ईद में जो है कुछ हमें प्रिवेंशन की ज़रूरत है। खुसूसन हम बात कर रहे हैं उस मेहंदी की जिसने लोगों की जो है खुशियों को बर्बाद किया है। वो दुल्हनों को लगाई गई है तो उनके हाथ जल गए हैं। ख्वातीन, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कोई त्यौहार हो, चाहे वो शादियाँ हों, चाहे वो पार्टी हो, और वो केमिकल मेहंदी जो है वो क्या होती है, इस वाले साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बतूल साहिबा। डॉक्टर बतूल जी बताइए, आपने बताया कि मेहंदी इतनी ख़तरनाक है कि हाथों को जला भी देती है, और इवन ऐसी कंडीशन हुई है कि हाथ काटने पड़ गए, बिल्कुल एम्प्यूटेशन करनी पड़ गई। ठीक है ना। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा अब मेहंदी में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें और कैसे सही मेहंदी ख्वातीन ले सकें। जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुझे अपनी स्किन के हवाले से सवाल करना था। जी जी पूछिए जी। मेरी स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं, वो एक तो छोटे वाले पिंपल्स होते हैं, बड़े वाले पिंपल्स निकलते हैं और उसमें पीप भर जाती है जैसे वो बड़े पिंपल्स। और इसका क्या मसला है? ये हर दूसरे दिन मैं लिंकोमाइसिन इंजेक्शन लगवा रहा हूँ और एक कैप्सूल का मुझे नाम नहीं आ रहा, वो 18 रुपए का मिलता है, तो वो रोजाना खाता हूँ मैं। किसने किसने बताया आपको ये? जी ये आपको ये तरीका इलाज किसने बता दिया? ये डॉक्टर साहब है हमारी, सैयद गुफरान अहमद हमारे इलाके में डॉक्टर साहब है, उन्होंने अच्छा। ये इंजेक्शन दिया था, तो ये मैं लगवा रहा हूँ डेली और कुछ आराम नहीं हो रहा। पूरे रमजान गुजर गए, पूरे रमजान में लगवा रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी है जैन? 18 साल। डॉक्टर साहब आप जैन से कुछ पूछना चाहेंगी? जैन आप पहले तो सबसे पहले आप ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हो ये छोड़ दो, ठीक है? बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अभी प्रोग्राम के बीच में आपके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम जरूर देखते रहिए। मेरा बहुत कमजोर है। क्या? मैदा बहुत कमजोर है। ठीक है, मैदे के लिए भी बता देंगे, लेकिन आपको एक्नी है, सीवियर एक्नी, ठीक है? ठीक है, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको पूरा बता दूंगी, आप उसको अभी प्रोग्राम में देखते रहिए, और जितने लोग एक्नी नहीं है सब देखते रहे। बहुत शुक्रिया। मेहंदी डरा दी आपने तो लिटरली। नहीं बिल्कुल, और ऐसी रिसर्च मैं आपको बताऊँ, ऐसी रिसर्च मौजूद है। अवेलेबल क्यों है मार्केट में? देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, क्या करें? ठीक है, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। बस जिनके पढ़े हुए हैं, जिनको हो गया, आगा खान अस्पताल में कौन जाकर रिपोर्ट करेगा, कौन किसको बोलेगा? ये तो पूरे मुल्क में होगी मेहंदी? पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में, सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे मुल्क में सप्लाई हो रही है। ये और आ तो काली और लाल, और कराची में नहीं बन रही है ये इसका कलर जो है जी, काली रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक इमीडिएटली आ जाता है। बस लाल और काली मेहंदी से बचना है, नॉर्मल हरी मेहंदी देखने में, देखने में रेड कलर की होती है, रेड कलर की कौन होती है, ब्लैक वाली ब्लैक कलर की कौन होती है? अच्छा ऐसा, अब ये तो नहीं देखें, अभी हमारे तो आपको पता है जो जिनको जो लोग ऐसी चीजें बेच रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो हरी वाली के अंदर मिक्स कर दें, ऐसा हो सकता है? हरी वाली के अंदर इसलिए मिक्स नहीं हो सकता, अगर मिक्स होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? जो पीपीडी होता है वो बेसिकली जो है वो ऑरेंज कलर को डिस्पर्स कर देता है, ठीक? अगर ऑरेंज कलर डिस्पर्स होगा तो ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, जो हेना लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती यानी, और पीपीडी जो लोगों को समझाने के लिए उसका अपना कलर ऑरेंज है, ऑरेंज होगा अगर वो उसमें डला हुआ है तो कलर ऑरेंज ऑरेंज कन्वर्ट हो, यानी अगर मेहंदी लें तो सिर्फ हरे रंग वाली, हरे रंग वाली लें, इट मींस कि वो नेचुरल है, कोई ब्राउन नहीं, लाल लाल काली कोई भी ना ले, काली सारी सारी। ग्रीन के अलावा अगर कोई और भी कलरेशन देनी है तो उसमें जो है वो केमिकल ऐड होगा, ठीक है भाई? तमाम ख्वातीन सुन लें बहुत गौर से, मेहंदी लगाने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन मेहंदी जो आप कौन मेहंदी लें या आप दूसरी जो भी कन्वेंशनल मेहंदियाँ जो आती हैं तो वो ग्रीन कलर हो तो बेहतर है। फरजाना साहिबा हैं हमारे साथ पेशावर से हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शहजाद साहब? कैसी हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, खुदा ऐसे दे के हर एक को दे, बहुत शुक्र आप है, बहुत शुक्र हमारे बच्चों को भी खुदा ऐसे करे। मेरे जो दो क्वेश्चन है आपसे, मेरी उम्र जो है 64 है। जी 64 है। जी जी जी, तो ऐसे है कि मेरे चेहरे पर तो पहले से वो ब्यूटी स्पॉट तो दो थे ना, लेकिन अब मेरी जब एज 42 की हुई तो मेरे ये बहुत लाइट ब्राउन थे, मेरे जिस्म पर भी आने शुरू हो गए और चेहरे पर भी आने शुरू हो गए। तो ये है कि यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट जो है फीमेल हमारे पेशावर में, तो एक चेहरे का तो मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन इनका अगर मुझे पर्सनल वो नंबर मिल जाए मोबाइल का तो मैं उनसे फिर खुद जरा पूछ लूँ जिस्म के बारे में कि मुझे कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं ना। अच्छा, तो एक काम कीजिए, अपना नंबर आप छोड़ दीजिए
मैं चाहूँगा कि पीसीआर में फरजाना साहिबा का नंबर छोड़ दिया जाए, तो प्रोग्राम के बाद मैं डॉक्टर बतूल साहब की पर्सनली बात भी करवा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और डॉक्टर बतूल कुछ पूछना चाह रही हैं आप इनसे? नहीं बस इन्होंने एज ठीक बता है दिया है बेटा। ठीक है, अभी आपके सवाल का, थोड़ी देर में जैन के सवाल का, आपके सवाल का, सारे सवाल का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत जुमलों का। डॉक्टर साहबा ये बताइए दोबारा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं खमीनियाँ ख़रीदते नहीं हैं। बिल्कुल, लगवाने जाते वो चांद रात को, और चांद रात फिर लगता है कि अगर नहीं लगवाएंगे तो कुछ होगा नहीं, और खुसूसन जिनकी नई नई शादी हुई होती है ना, वो तो जरूर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। और नहीं भी जाना चाहती हैं जो हुए उनको भेजा जाता है, जाओ ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए जो खवातीन वहाँ लगा रही होती हैं, तो अब जो जा रहे नहीं लगवाएं, नहीं लगवाएं अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है। देखिए एक जगह पे नहीं, 100 places पे लग रही है, किसी के पास तो सही होगी ना, ग्रीन वाली कहीं तो होगी, और अगर नहीं है तो आप वहाँ पे जाकर लगवाएं जहाँ पे ग्रीन कलर की है। ठीक है, कॉमनली जो है मीना बाजार में अवेलेबल होती है, आप वहाँ जाकर लगा लीजिए। अगर आप खरीब जो है, खरीब के पॉलर में नहीं अवेलेबल है, कन्विंस बहुत किया जाता है, एक तो चीप होती हैं बिकॉज ऑफ दैट केमिकल, फॉरन कलरेशन बहुत चीप होती है। नहीं तो कौन महंगी है, भी कौन सी महंगी है? नहीं मैं बिल्कुल, वो ग्रीन वाली भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन उसके मुकाबले में भी चीप होती हैं, जो पॉलर्स को सप्लाई हो रही थी वो बहुत ही चीप होती हैं। अच्छा, तो और फॉरन का इमीडिएट कलरेशन दे रही होती है, तो वो जो लगा रहे होते हैं या लगवाने वाले जो होते हैं वो बड़े हैप्पी होते हैं, हाँ हाँ बड़ी अच्छी, बड़ा डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है, कलर आ रहा है, लेकिन वो जो कलर आ रहा होता है उस हाफ एन आवर के बाद जो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना, उसको कंट्रोल करना, फिर कॉर्टिजोन के इंजेक्शंस, एंटी एलर्जीज और ये सारी चीज़ें फिर कंट्रोल करना, उससे सबसे बड़ा इशू होता है। और एक रिसर्च इंडिया में इस वक्त जो है वो लास्ट 6 months में मौजूद है कि जिसमें जो है वो PPD मिक्स थी, उन्होंने हेयर एप्लीकेशन करी, उन्होंने टैटूइंग करवाई अपने आर्म्स की, सारी चीज़ें विद इन हाफ एन आवर उनको रिएक्शन हुआ, एंड देट लीड्स टू एक्यूट ल्यूकीमिया। हालांकि एक्यूट ल्यूकीमिया जो है, ल्यूकीमिया तो डेफिनेटली एक जेनेटिक जो है वो हो रहा है, आपको कोई कॉज नहीं है, ब्लड डिसऑर्डर है, वो ब्लड डिसऑर्डर है सारी चीज़ें, लेकिन उसकी लिंकेज जो है वो पाई गई है PPD से, एक्यूट ल्यूकीमिया की। तो इन द लॉन्ग टर्म अभी जो है वो रिसर्च जो है अभी तो बिल्कुल ही जो है वो इनिशियल फेजेस में सारी चीजें, अभी बताइए वेरी डेंजरस। इन्होंने डॉक्टर अली इमरान ने इसी हवाले से बिल्कुल जो बात की ना कि ये जितने ब्यूटी क्लिनिक, ब्यूटी सैलून और बहुत अच्छी बात करी है, आप यकीन करें जिस वक्त मैंने कॉस्मेटोलॉजी की है यहाँ पे, जितने अभी कॉस्मेटोलॉजिस्ट कराची में 4-5 मौजूद हैं, मैं यूनिवर्सिटीज गई हूँ, खवातीन की यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, के आई हैव ऑल दिस कोर्स हर जगह करवाया जा रहा है, मैं सिंगापुर से करके आई हूँ, इंटर के बाद उसे BS और MS के कोर्स में आप इंक्लूड कर दें, ताकि ब्यूटी जो है वो हेल्थ से रिलेटेड हो जाए। जब ब्यूटी हेल्थ से, अभी ब्यूटी एक्सपर्ट्स कौन है जो ब्यूटी पार्लर रन कर रही हैं, 1 day का कोर्स कर लिया, 1 hour की क्लास ले ली, सारी चीज़ें जो रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रीकिंग कर रहे हैं, हर जगह जितने जो है वेलफेयर सेंटर या कम्युनिटी सेंटर्स ओपन हुए हैं वहाँ पे 1 hour की वो नॉलेज बेस्ड क्लासेस ज़रूर होती हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप उसको ओपन कर लें आप और जो है वो पब्लिक से खेलें, ये तो पब्लिक से खेलना है। ब्यूटी का ताल्लुक आपके चेहरे और स्किन से और तो बालों जब तक से, ब्यूटी को हेल्थ से रिलेटेड नहीं किया जाएगा यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी कॉलेज या कॉस्मेटोलॉजी को पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तब तक के ये इशू इसी तरह रहेगा। एक एक मैं बात कहना चाहता हूँ और उसके बाद एक कॉल भी है। मैं हुकूमत वक्त से एक दरख्वास्त है, एक इस्तदा है, हमारी कौम जो है, हमारी जब टीम गई उस वक्त ओलंपिक्स में, तो लोग तालियां बजा रहे थे और सब तालियां बजा रहे थे, जो उनकी टीमें भी गईं तालियां बजा के जीतते चले गए, हम जो है तालियां नहीं बजाए, हमने सिर्फ बगले बजाई हैं। क्यों? क्योंकि हमने सही प्लान नहीं किया था। इसी तरह खुदा के वास्ते हेल्थ के हवाले से भी सही प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए, वरना यहाँ अगर किसी का इशू हो जाता है तो वो तो बगल भी नहीं बजा सकता। ठीक है, एनीवेज मिसेस फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। मिसेस फरहान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। आप थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अवेयरनेस दी हम लोगों को इस मेहंदी के हवाले से। माय प्लेजर। क्योंकि अभी जो है वो चांद रात आपको पता आने वाली है, ये टॉपिक हमने चूज ही इसलिए किया था जी। बच्चे जो हैं, बेटी जो है, वो भी ये पार्लर जाना था उसने मेहंदी लगवाने के लिए, तो आई एम ग्लैड कि आपने इस चीज़ को अवेयरनेस दी कि मैं अब उसको रोक सकती हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ सिर्फ समझ में नहीं आ रही है, मैं आपका प्रोग्राम पूरा सुन रही थी कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। अब हम लोग जब जाते हैं किसी भी पार्लर पर लगवाने के लिए, बच्चियाँ होती हैं वो
यंग एज में आपको पता है कि वो जरूर जाती हैं पार्लर लगवाने के लिए, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? और दूसरी बात ये कि एक जो एक तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गई, और दूसरा एक जो मेरा क्वेश्चन है कि मेरे जो है थोड़े व्हाइट बाल हैं, तो मैं अपने बालों पे हिना अप्लाई करती हूँ, तो हिना की एप्लीकेशन ज्यादा बेटर है या डाइंग ज्यादा बेटर है? ठीक है, तो अब ये है कि नहीं, मैंने कहा तमाम व्यूअर जो कि इनको पता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हिना उर्दू में भी तो होते हैं, रंगे हिना वो उर्दू में बिल्कुल हिना नाम रखा हुआ नाम होता है लड़कियों का, बिल्कुल हिना वैसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, नहीं वो तो मुझे पता है, मैं तमाम व्यूअर्स के लिए कि वो मेहंदी है। मजीद बातें करेंगे नाज़रीन, बात हो रही है अभी तो फिलहाल मेहंदी पे बात चल रही है, उसके बाद आगे भी चलेंगे फेशियल्स पे भी बात करेंगे, ताकि ईद भी गुजरे ना तो खुशी के साथ गुजरे, तकलीफ में या कर्ब में, आप तकलीफ में होंगे तो आपके घर वाले भी तकलीफ में होंगे, किसी को हम तकलीफ नहीं देना चाहते। जा रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।